हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन रन विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस का बिजनेस मैनेजमेंट का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों का क्या बोलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर का। ठीक है, ये वीडियो आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीकॉम का एंट्रेंस दे है उनके भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, और एमकॉम में 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये 2019 का पेपर है दोस्तों, इसको हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसमें आंसर दिए गए हैं, बट हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर ये क्यों होगा एंड दूसरे आंसर क्यों नहीं होंगे। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग कॉमर्स सेशन आपको बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा है। ठीक है, एंड दोस्तों हाँ, इस पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हैं, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा उसके बाद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्किंग भी सही से नहीं की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग आइडेंटिफाइंग दी करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब भैया क्वेश्चन में तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट करेक्ट लगेंगे एंड बहुत बच्चों को आएगा भी नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन। भैया मैनेजमेंट जो है ज्यादा ध्यान देता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर ना कि प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट शुड नॉट वरी फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये तो होगा ही नहीं। इनमें से कौन सा करेक्ट है, मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्शन देन प्रोडक्टिविटी। भैया ज्यादा बना के क्या फायदा, प्रोडक्टिविटी तो खराब है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। मैनेजमेंट शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये इक्वल वाला ज्यादा सही जा गया है। बट अगर इसको ध्यान से पाए कि मैनेजमेंट शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्टिविटी, भैया उस पर ज्यादा ध्यान दें ना कि प्रोडक्शन के ऊपर, सामान क्वालिटी वाला होगा तो बिकेगा, तो ये आंसर आपका सही है। अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बिजनेस मैनेजमेंट का, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बीएचयू बीकॉम में भी पूछा गया है। ठीक है, बीएचयू बीकॉम में पूछा गया है, व्हेन अ प्लान इज फॉर्मुलेटेड बिफोर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, जब भी कोई प्लान हमें बनाते हैं उस इवेंट के होने से पहले तो उसको प्रोएक्टिव प्लान कहते हैं। ठीक है, इसमें से यूटीन प्लान तो होगा ही नहीं, रिएक्टिव प्लान, कोई चीज हो गया उसके बाद हमने अपना रिएक्शन दिया तो रिएक्शन प्लान बोलते हैं, नॉन ऑब्वियस की बात ही नहीं है, तो प्रोएक्टिव प्लान सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े थे, अब कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का दोस्तों प्रॉपर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। कॉम्बिनेशन मे बी फॉर द जस्ट ऑफ पावर, शक्ति की ऐसा कई संयोजन हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, फीचर नहीं है, तो भैया कॉम्बिनेशन में भी जस्ट फॉर पावर, हाँ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं पावर की आदत है, क्योंकि अब मान लीजिए मेरी एडिडास की कंपनी है, आपकी नाइकी की कंपनी है, अब मार्केट में आपको छाना है तो आपने दोनों क्या किया, कॉम्बिनेशन बना लिया, तो ये हो सकता है आंसर, सॉरी ये मतलब सही है। कॉम्बिनेशन में भी पार्शियल कंसोलिडेशन मैंने पढ़ा दिया अच्छे से भैया, आप लोग देख सकते हैं जिसमें होल्डिंग कंपनी के बारे में बात की गई थी। एंड कॉम्बिनेशन में भी शॉर्ट पीरियड, कम टाइम की ये भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जब दो कंपनी आपस में मिलकर काम करती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी इनफॉर्मल नेचर, भैया फॉर्मल भी हो सकती है इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, तो नॉट अ फीचर, बट ये फीचर नहीं है, तो ये आंसर आपका सही होगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा सही नहीं है, तो पहले गलत को देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ डेवलपिंग आर्ट, ठीक है, सोशल साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन, भैया ये तो होगा ही नहीं क्योंकि डेवलप्ड प्रोफेशन मैनेजमेंट है ही नहीं, अभी डेवलपिंग है। मैनेजमेंट इज अ डेवलप्ड आर्ट, सोशल साइंस, मैनेजमेंट कभी भी प्रॉपर आर्ट नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, और डेवलप्ड प्रोफेशन भी नहीं है, ये भी गलत है। मैनेजमेंट इज अ डेवलप्ड आर्ट, प्योर साइंस एंड डेवलप्ड प्रोफेशन, भैया तीनों यहाँ पे दिख ही है। ठीक है, डेवलपिंग प्रोफेशन है, ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गया ना, तो आपका आंसर ये सही है। मैनेजमेंट एक डेवलप्ड आर्ट है, सोशल साइंस एंड, भैया ये गलत क्यों ना हो बट ये प्रॉपर सही है, इसी ये आंसर आपका होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एन एक्टिविटी, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, तो किसका एक्टिविटी है? कॉमर्स, इंडस्ट्री का तो होगा ही नहीं, एड्स टू ट्रेड एंड ट्रेड, ट्रेड का भी नहीं होगा, एड्स टू ट्रेड व्यापार में सहायक, ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन व्यापार में सहायक होता है, इसीलिए आंसर सही है। मैनेजमेंट बीन डिसाइडिंग एंड डूइंग बिजनेस, सॉरी बीकॉम, सॉरी एमकॉम एंट्रेंस के अंदर, बीकॉम नहीं एमकॉम एंट्रेंस के अंदर ये आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट मीन डिसाइडिंग एंड डूइंग, तो ये भी किसने दिया है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिसको भी पता है कि मैनेजमेंट मीन्स डिसाइडिंग एंड डूइंग किसने दिया वो कमेंट करके बताएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग ये किसने कहा है, तो रॉस मोए ने इसको कहा है, सिंपल सा, इसमें तो इन सब की बात ही नहीं है, एफ डब्ल्यू टी आई नहीं होगा, हनी फ्यो नहीं होगा, जी आई टी आई नहीं होगा, बल्कि ये तीनों बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना बिखरा हुआ है, तो क्वेश्चन अपने को ढूंढना पतो पड़ेगा भैया, इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये कंपनी यहाँ का है बट ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, अगर हमने कोई भी काम किया है जो कि अपने मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं आई टी आर वाई एस, अगर हम लोग अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में कोई भी काम करते हैं तो उसको सीधे से बोलते हैं आई टी आर वाई एस, एनी एक्ट डन कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं आई टी आर वाई एस, ठीक है, और इसको रेटिफाइड मतलब ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ढूंढना पाया तो टाइम आ गया, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, दिस डेफिनेशन दोस्तों इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, हार्ड कुंड्स, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीटर एफ डेकर है वो एमबीओ से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा, ईएफआई बीच तो नाम ही गलत है, जे एल लुंडी ये भी नाम गलत है, तो हार्ड कुंज आपका ये आपको याद करना पड़ेगा किसने दिया है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, नॉट, तो मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, ठीक है, मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है, अब ये कंपोजिट क्या होती है देखते हैं अभी, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बट आप लोग इससे परेशान हो गए होंगे। मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स, भैया मैनेजमेंट को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हो, तो ये तो साफ साफ दिखा कि ये आंसर होगा, ये तीनों आंसर आपका सही है, ये आंसर गलत है, बट ये इसके हिसाब से आंसर सही है क्योंकि नॉट, नॉट बहुत पूछता है, ठीक है। ये सब आपके बाकी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ते आइए, बहुत जल्दी इन सब का भी करवाया जाएगा आपको प्रैक्टिस, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का हो रहा है बस दोस्तों, ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। विच वन इज मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कौन सा वाइंडिंग अप का तरीका है? तो वारंटी वाइंडिंग अप होता है, कोर्ट के सुपरविजन में होता है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर है, सिंपल सा आंसर है। लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, बताने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। अब भैया अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इन बिजनेस आफ्टर गेटिंग दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मिलने के बाद ये तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? बोथ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं भैया, इसके बाद ही कर सकती है, नन ऑफ दी अबव, हटाओ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर देती है, बट पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का वेट करना पड़ता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन थर्ड स्टेज जाना पड़ता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, भैया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दोस्तों ये आपका लॉ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिस्कस करना फायदेमंद नहीं है, ठीक है। द आईटी ऑफ एसोसिएशन, दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करता है। मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी का रिलेशन दिखाता है आउटसाइड वालों से, एंड जो आर्टिकल होता है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और ये कंपनी का
सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अगर दोस्तों किसी कंपनी ने अपना आर्टिकल नहीं बनाया है तो कौन सा टेबल अप्लाई होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसी कंपनी ने अपना आर्टिकल नहीं बनाया है तो कौन सा टेबल अप्लाई होता है। टेबल का मतलब कंपनी लॉ के अंदर बाय डिफॉल्ट एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के रखा गया है तो वो अप्लाई हो जाता है। टेबल ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन सा है टेबल, कमेंट करके बताइए। विच फ्रॉम दी फॉलोइंग इज नॉट द एविल ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, एविल मतलब भैया दुश्मन कह लीजिए ना, दोस्त नहीं है, तो भैया कौन कौन सा है यहाँ पे देख लीजिए। विच फ्रॉम दी फॉलोइंग इज नॉट एन एविल ऑफ कॉम्बिनेशन, क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं भैया, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आप लोग नहीं टिक पाते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ये भी हो सकता है, फियर ऑफ इंक्रीजिंग करप्शन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ठीक है, इसके लिए बनाते हैं हम लोग। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, लघु आकार के उत्पादन के दोष, इसके कारण दोस्तों ये आपका नहीं है, एवे नहीं है, ये सब आपके एवे हैं, दुश्मन होते हैं, बट ये नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोग कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने का लॉजिक ये होता है कि भैया मार्केट में जो कंपटीशन है उसको टैकल कर पाएं, उसके सामने टिक पाएं, क्योंकि तो दूसरी कंपनी के साथ में बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर यहाँ पे बाकी सब है ये नहीं है। अब दोस्तों फाइंड आउट दी ऑड फ्रॉम दी फॉलोइंग, अब दोस्तों मैंने बता दूं आपको ये क्वेश्चन पूछा आपके स्टाफिंग से पूछा है, ठीक है, स्टाफिंग में ट्रेनिंग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पे टेस्ट की बात की गई थी। तो ऑड कौन सा है, सबके सब टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों दोस्तों स्टाफिंग में होता है, बट विजन टेस्ट, आपका क्या विजन है, ये कौन सा टेस्ट होता है, ये नहीं होता, तो ये ऑड है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन उतने कठिन नहीं जितना आप लोग सोचते हैं दोस्तों। वेयरिंग नेम प्लेट इन द ऑफिस बाय स्टाफ इज मैंडेटरी इज एन एग्जांपल ऑफ, भैया अपने नाम के आगे, जैसे आप लोग जब स्कूल में आप लोग मॉनिटर होंगे क्लास के, ठीक है, या फिर कोई भी टीचर किसी पोजीशन पे होता है तो अपने साइड के ऊपर एक बटन लगा के घूमता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है एंड वो किस पोस्ट पे है, ठीक है, तो वैसे ही क्या उसको लगाना ऑफिस के अंदर, जब इम्प्लॉय अपने साइड के आगे एक नेम प्लेट लगाते हैं उनका नाम क्या है और किस पोजिशन पे है, ठीक है, तो वो एक मैंडेटरी होता है। कौन सा प्लानिंग का प्लान है ये, तो भैया ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगा, मेथड नहीं होगा, ये एक नियम है, रूल है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। बीकॉम वाले बच्चे ध्यान देना थोड़ा सा, एमकॉम के तो इंपॉर्टेंट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अब दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज में मतलब तीनों लेवल में, एक लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल, तीनों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्पर्स करती है, मतलब बांटती है उनके पोजीशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक कंपनी अपने कंपनी के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके पोजीशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सूटेबल फॉर रूटीन वर्क, भैया काम को अच्छे से कर ही सकते हैं, इससे स्टाफ का मोरल, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, टाइमली डिसीजन, तो कंट्रोल करने में दिक्कत क्यों होगी भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, ये आपका नहीं है मेरिट, ठीक है। क्वेश्चन कितने इजी हैं आप लोग देख के समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली कॉन्टेक्ट करके। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। नॉट, बार बार नॉट बहुत इस्तेमाल किया जाता है बीएचयू बीकॉम और एमकॉम के एग्जाम में, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो देखते हैं यहाँ पे, फ्री एन टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ डायरेक्शन फॉर साइंटिस्ट, अब ये कौन सी बात है, आगे पढ़ते हैं ना, डायरेक्शन में भी नीडेड इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, पड़ सकती है, हाँ ठीक है। डायरेक्शन इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज प्रोग्राम, हम लोग किसी को डायरेक्शन क्यों देते हैं, कि कुछ चेंज होने के आना है, ठीक है। सिलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन, भैया सिलेक्शन कैसे, सिलेक्शन तो स्टाफिंग का पार्ट होता है ना, ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों तो तीन सेम सेम ठीक है, बट ये कहां से आ गया, यही आपका आंसर है।
डायगोनल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, किस कॉम्बिनेशन का डिफरेंट नेम क्या होता है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर सर्विस कॉम्बिनेशन है। मिक्सड को क्या बोलते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। प्रॉपर वीडियो के आप लोग जाके देख सकते हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने के नहीं है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है? पॉलिसी होता है, प्रोसीजर होता है, प्रोग्राम होता है, ये प्रिंसिपल नहीं होता है भाई मेरे। प्रिंसिपल तो पढ़ाई नहीं मैंने आपको, और बुक में भी नहीं है आपके, तो ये नहीं होता। डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्रोल्ड बाय एन इंडस्ट्रियल हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ, दोस्तों डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट एक ही बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, तो किसका एग्जांपल है? कन्वर्जेंट की बात ही नहीं आती है, डायगोनल की बात ही नहीं आती है, एंड डाइवर्जेंट लेटर की बात ही नहीं आती है। ये सर्कुलर कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ा दिया है। Which of the following is not an element of delegation of authority? कौन सा नहीं है? Authority, responsibility, accountability तो होता है, power, दोस्तों power मैंने आपको पढ़ाया जो है, बट power होता नहीं है, ठीक है? ये आपका answer है सीधे, यहाँ पे बोला है ना, फिर से देखो not, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, not question दिया हुआ, ध्यान से पढ़ना। ये banking का question है, ये आपके company law का question है, ठीक है? दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसलिए बता दिया मेमोरेंडम के, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना था मेमोरेंडम आर्टिकल, ठीक है? आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना। अब तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, जितने थे मैंने आपको बता दिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फ्रॉम दी फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता क्या है? जब सेम नेचर वाला बिजनेस दूसरे सेम नेचर के बिजनेस से कॉम्बिनेशन बना देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो कौन सा एडवांटेज नहीं है इसमें का, ठीक है, कौन सा नहीं है? तो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन, आर्थिक शक्ति का संकेद्रल, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भैया, इससे अगर आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन तो डिमांड सप्लाई को पूरा कर पाएंगे, बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, बट ये तो ऑप्शन लग ही नहीं रहा है। यही आपका आंसर है, नॉट, फिर से नॉट, देख लो भैया कितना है नॉट आपकी जिंदगी में, ठीक है? बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। ये सब आपके बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन है, फाइनेंस को आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा है, विच फ्रॉम दी फॉइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एआई इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एडवांटेज नहीं है? प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन तुरंत होता है, बेटर कंट्रोल भी होता है, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होता है। डेमोक्रेटिक नेचर, भैया याइन ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या बोलते हैं, मिलिट्री वाला होता है ना, तो डेमोक्रेटिक नेचर कैसे हो गया, ये नहीं होगा आपका। ओके, मनी के क्वेश्चन है ये सब आपके दोस्तों, अकाउंटिंग के हैं, मनी के हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट इज शेयर बाय पार्टनर, दोस्तों ये पार्टनरशिप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इक्वल बढ़ता है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो इक्वल बढ़ता है, तो इक्वल। दोस्तों आपके 2019 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है? प्रॉपर देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एमकॉम के बच्चों को कि क्वेश्चन आपसे सिंपल नहीं पूछता है, नॉट नॉट करके डेफिनेशन में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, तो नॉलेज के लिए प्रॉपर हम लोगों का वीडियो आप देख सकते हैं, एंड देखने के बाद आपके अगर 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 24 में से आप लोग 24 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस को वहाँ पे खत्म किया गया है, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं अपने 2018 के पेपर के साथ, जिसमें हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे 24 क्वेश्चन। बहुत जल्दी आपके अकाउंटेंसी के एंड मनी बैंकिंग के वीडियोस एंड फाइनेंस के वीडियोस भी आ जाएंगे आपके, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।